नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज मैं इसलिए यहाँ फ्रेश आप लोग का मीडियम से जो रिगार्डिंग जो उस दिन हमारा जो 13 को हमने 36 आवर्स हम लोग ने डिक्लेयर किया था, रिगार्डिंग उस विषय में मैं थोड़ा सा आप लोग को हाईलाइट करने के लिए आप लोग को हमें बुलाया। तो आफ्टर 36 आवर्स हम लोग ने बंद कॉल करने का बाद तो हम लोग का तो पीसफुली हम लोग का 36 आवर्स का बंद कॉल जो पीसफुली सक्सेस हुआ। तो सक्सेस होने का बाद हमारा काफ़ी लड़का को डिटेन हुआ था, स्पेशली हमारा अन्या का और हमारा जो जितना भी यहाँ का जो लड़का लोग को जो डिटेन हुआ था उस विषय में ओ करके हम लोग और फिर हमारा टीम को हमारा वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और इंक्लूडिंग मी हम लोग एरेस्ट वारंट हम लोग ने निकाला था, हम लोग को निकाला था। एंड अनफॉर्चुनेटली तो हम लोग जो बात करते हैं हमारा जो यजाली पीएस का वहाँ पे तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ डिटेन हुआ। डिटेन होने का बाद तो हम लोग ने ये हमने फिर 48 आवर्स का हम लोग ने अन्या ने हम लोग ने फिर डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर इसमें था कि हम लोग ने जितना हमारा लड़का लोग को डिटेन किया है उसको रिलीज करना है बोल के था। तो हम लोग 48 आवर्स हम लोग ने डिक्लेयर करने का बाद तो हमारा जो तो हमें कहीं बाहर में था जहाँ नेटवर्क जगह में नहीं था, मैं वहाँ पहुँचा, हमको कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उस बीच में हमारा जो निसी एलआई सोसाइटी ने इंटरफेयर करके उन लोगों का गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि उनको जितना लड़का जो अरेस्ट हुआ है इसको डिटेन किया है इसको अनकंडीशनल रिलीज करना बोल के हमारा निशी एल आई सोसाइटी ने उसको परस्यू करके किया था। तो उसको भी हम फॉलो करते हुए तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए हमने 48 आवर्स का जो बंद कॉल को हम लोग ने डिक्लेयर किया था 18 जनवरी को हम लोग ने इसको डिफर किया था। और अनकंडीशनली उनको जो जिसे अभी बोला है जिसे अभी उन लोगों जितना लड़का लोग को रिलीज करना है वो कैसा कंडीशन रखे हम लोग ने वो किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली हाँ उसमें बाकी लड़का लोग को जो निकाला है जैसे 15 जैसे लड़का को हमारा जो अन्या का जो एक्टिविस्ट है जो उनको निकाला है इंक्लूडिंग माय जनरल सेक्रेटरी और मेरा वाइस प्रेसिडेंट और मेरा कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर को वहाँ से निकाला है। एंड सेकंड पॉइंट जो ये था कि जितना भी जो उस ड्यूरिंग बन कॉल में हम लोग से एक्टिविस्ट था उसको निकालने का बात था तो उसमें अभी तक नहीं निकला है। तो नहीं निकलने के कारण जो ऐसा है तो उसमें बेचारा अभी जो अभी तेजू जेल में है जो 45 जो वहाँ एक्टिविस्ट है वो एक्टिविस्ट भी नहीं है, वो कोई लोग अपना घर में बैठ रहा था, कोई लोग अपना सिंगर गाना गाने के लिए आया, कुछ 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 परफॉर्मेंस के लिए आया तो उसको भी डिटेन करके वो करके था। तो उसको हम लोग ने डीसी कैपिटल का साथ भी हम लोग काफ़ी मीटिंग हुआ और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ भी हम लोग काफ़ी मीटिंग हुआ। उसमें मीटिंग करने के बाद ये था कि उनका कहना था ये लड़का लोग को एग्जामिन करके जिसका जिसका पास में जो क्राइम रिकॉर्ड नहीं है जो दिखते नहीं उसको अच्छा से उसको रिलीज कर देने का बात था। लेकिन आज उस दिन हम लोग पे नेक्स्ट डे में हम लोग पता चलता है कि उन लोग को सीजीएम में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और पूरा सेक्शन डाल के एक आदमी को मैंने 10 सेक्शन डाल के 10 10 तो सेक्शन डाल के एक आदमी को। तो उसमें हम लोग अभी हम जस्ट पूछना चाहेगा कि हम जो उस दिन हम लोग ने बंद कॉल हम लोग दीपार का इसलिए कारण था ताकि हमारा लड़का लोग को रिलीज करो तो उसमें आज तक रिलीज नहीं किया और पूरा सेक्शन में डाल के अभी करता है। एनीवे तो अभी हमारा जो जितना जो हमारा लीगल एडवाइजर है जो हमारा लीगल एडवोकेट लीगल एडवाइजर जो हमारा प्रीतम तपो साहब ने एडवोकेट साहब तो अभी सबको बेल करा रहे हैं और मैक्सिमम तो अभी बेल हो गया है और जितना भी यहाँ क्या बोलते हैं बाकी लोग का अभी ये 27 को हियरिंग है, कल हियरिंग कल वो करेंगे। हम बस हम यही हम जब पूछना चाहता है कि गवर्नमेंट को जबकि आप अनकंडीशनली चोर देगा चोरने का चोर देगा बोलने का बात उन लोगों को इतना सेक्शन में क्यों डाला है, ये गलत है। कल को ये फ्यूचर को ये उन लोग का फ्यूचर को अभी कौन रिस्क लेगा, वो रिस्क कोई लोग तो वहां में घर में बैठने वाला था, कोई आउट में घूमने वाला नहीं था, सब घर में बैठ के घूमने वाला, कोई लोग जस्ट बाहर में निकल के ऐसा देखने वाला को भी उठा के रखने गया, उसको आप अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने उसको आप अरेस्ट किया भी किया है लेकिन आप डिटेन करने का बात इतना सेक्शन में क्यों डाल दिया,
उनका फ्यूचर को अभी कौन रिस्क लेगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है, आप सबको डिटेन किया है तो सबको घूमने दिया, सबको अरेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी ड्यूरिंग 36 आवर्स बन कॉल में हमारा वहां में बीजेपी का कुछ यूथ निकल के वहां में वीडियो बना के घूमता है कि ये बन कॉल इलीगल है, ये है बोल के घूमते हैं। अब उनको अरेस्ट नहीं करके तो हमारा जो ये लड़का लोग इसे डिटेन क्यों किया है, ये चीज का हम जस्ट कंफ्यूजन था। और अभी भी हम आप लोग को जितना भी या अथ्रो आप लोग का माध्यम से अभी भी हम क्लियर कट बता रहा हूँ, जो अभी 45 जो स्टूडेंट जो है 45 जो अभी जो वो तेजू जेल में अभी जो रखा है, कोई लोग को कल ऑलमोस्ट 60% तो हम लोग कल रिलीज करा दिया और हम खुद बेल करके खुद लीगल में हम लोग जाके हम लोग पायद करके अभी 60% तो निकल गया। और जितना वो पेरेंट्स को भी हम क्लियर कट हम मैसेज देना चाहेगा कि ये जो ड्यूरिंग बन कॉल का उस समय में आप लोग हमको मिस कंफ्यूज भी हो सकता होगा, इसमें अब ऐसा है यहाँ इतना लोग कर रहा है कि बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का तरफ से आया है, ये तरफ से आया है, वो तरफ से आया है। अभी भी मैं क्लियर कट जो गवर्नमेंट का साथ गवर्नमेंट का भी हम वो भी हम क्लियर कट मैसेज करता है मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम यहाँ कोई बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन को हम लोग ने यहाँ इन्वाइट नहीं किया है बन कॉल, हमको सपोर्ट कीजिए ये करके बोल के सपोर्ट मिले ताकि हमारा इशू अच्छा है बोल के उन लोग ने हमको सपोर्ट किया, वॉलेंटरीली हम लोग को सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करने का बात में उनका जितना भी उनको इन्वेस्टिगेशन किया बोला क्रिमिनल में आया, ये बंदूक लेकर आया, ये लेकर आया, हम अभी भी बोलता है हम लोग यहाँ में आज तक हम लोग ने अतिम अनजान है कोई यहाँ में अब इन्वेस्टिगेशन भी किया होगा कुछ या भी हम लोग क्रिमिनल वाला को भी हम लोग यहाँ में लेकर आया नहीं है, कुछ भी हम लोग यहाँ लेकर नहीं है, बिल्कुल हम लोग यहाँ में अपना से हम लोग किया है। तो गवर्नमेंट को हम आज हम जस्ट हम पूछेंगे आप लोग इतना दिन में आप लोग मीडिया में भी ट्रोल मीडिया में भी आप लोग ने बोल रहा था कि ये हथियार पकड़ा है, ये से इतना रुपया पकड़ा, अभी आप इन्वेस्टिगेशन क्या होगा कि मैंने वो हथियार कहाँ से लाया है और आदमी कौन इसको लेकर आया है, अब हम लोग को बता देने से ठीक है क्योंकि पब्लिक भी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी आप उसके देखिए मेरा ये उजिन हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा आजी अपा जो बोल रहा था कि ये हथियार मिला है, ये इसको भी क्लियर कट बता देने से ठीक है कि ये किसका थ्रो से हथियार आया, इसको बता देने से ठीक है, उसको आप बता के बताना कि ये टीम अन्या ने इसको लेकर आया है, ये आया बोल के। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हम लोग साथ में मीटिंग बोला, उन्होंने बोला है कि तर्टिन को यहाँ में क्रिमिनल जो घटना करने वाला था लेकिन उन्होंने विद्रो हुआ है, वो भी ऐसा बोला है हमारा पूरा टीम का साथ में, इसको भी आप बता देना चाहिए कि वो कौन सा पार्टी आया है ना, कहाँ से पार्टी आया है, ताकि आप लोग उसको विद्रो किया है तो आप उसको बता हम लोग के सामने मीडिया में बताना चाहिए कि ये टीम अन्या लेकर आया है ना, ना कौन लेकर आया है, इसको आप बताने के लिए बताना पड़ेगा हम जैसे हम लोग जस्ट ये सवाल है। अभी आप देखिए बहुत सारे लोग आया है कि इशू में आया है कि धेमाजी से आदमी लेकर आया, कई कई आदमी लेकर आया बोला। अभी आप देखो धेमाजी का जो आदमी जो आप लोग अरेस्ट किया डिटेन किया वाला बोला है वेर इज एक इनोसेंट है, हम भी अभी उनको अभी भी हम सबको अभी उनका जो आया था जो मालिक लोग उन लोग भी आया था कि उन लोग बोला है उन लोग बर्थडे मना रहा था किसी का बच्चा का बर्थडे मना रहा था, इसको पकड़ा बोला पकड़ के उसको इतना अभी टॉर्चर कर दे रहा है मैंने उसको कुछ क्लू ही नहीं मिला है। उसका बाद जो कही बोला कि पैसा रिकवर हुआ कैसा हुआ है इसको आप लोग अपना इन्वेस्टिगेशन से कीजिए, लेकिन हम लोग अन्या का तरफ से हम लोग अभी तक कुछ नहीं किया। और रिगार्डिंग जो हमारा जो एसपी कैपिटल जो हमने डीसी ऑफिस में वहां बैठा हुआ था हमने बात करते वक्त वो बोला है कि वो आदमी को पकड़ा है, अगर नहीं पकड़ने से बहुत हंगामा होना था बोला। तो उसमें जेल में जब सेंट्रल जेल में मेरा लड़का अन्या एक्टिविस्ट लड़का तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, मेरा जनरल सेक्रेटरी था, पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर था, एक आदमी था बोला अंतनी डोके बोल के वाला आदमी था, उसको बोला है कि अन्या लेकर आया बोलकर पूरा सोशल मीडिया में आदमी क्रिमिनल लेकर आया, ये सब चर्चा चल रहा था, हम लोग भी कंफ्यूज हो गया था, हम लोग भी डर गया था अरे सच में ऐसा है क्या बोल के। तो उसमें ये जो
अंतनी दो के बोलने वाला को बोलने वाला को उसको तुम्हारा लड़का लोग जेल का अंदर में पूछताछ किया, मारपीट करने को कोशिश किया, बताया कि अब सही ढंग से बताओ आपको कौन अन्या ने पैसा डिमांड किया, पैसा देकर लेकर आया ना, क्या करने लेकर आया बोला। उसका मेरा और भी पूछा आप ब्यावंग जोराम को जानता है क्या बोला। वो उनका जवाब ये था कि ब्यावंग जोराम को हम लोग नहीं जानता है, हम टोटली हम नहीं जानता है। उसमें तार्टिन में उसमें ये था एक AK 47, वो उसका कहने का मतलब है एक AK 47 दिया था बोला है। AK 47 एक गवर्नमेंट एजेंट है बोला है, वो एक गवर्नमेंट, हम नहीं बोल रहे, मेरा जो टीम सेंट्रल जेल में बैठने वाला मेरा वाइस प्रेसिडेंट मेरा जनरल सेक्रेटरी उन्नू का जो हमको बताया है और पूरा टीम का बात, वो बोला है कि एक AK 47 दिया था गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंट को, उसका नाम हम नहीं लेगा, और इन्हें वो किसी को फंसाने के लिए किया बोला है। और वो जो उसका बाद हम 40th hour जो बंद डिक्लेयर करने का बात में तब उसको बांडरडीवा में सस्पेक्ट होके इसको अरेस्ट किया बोला है। ये बताइए अगर इतना तक आप लोग उस बीच में हमारा जो बंद कॉल में इतना आदमी लोग आया है, होम मिनिस्टर साहब आपने कहा है कि उन लोग टार्टिन को विद्रॉ किया बोला है, और हमारा अपा साहब ने बोला है कि उन लोग का पूरा हथियार का साथ में पकड़ा बोला है, वो कोई लोग बोला इसको आप क्लैरिफिकेशन पब्लिक के सामने में देने से ठीक है। उस गुस्सा को लेके अभी जो अभी मेरा लड़का लोग जो अभी देखो चलिए अभी वो मेरा एक्टिविस्ट नहीं है, तब एज ए सोसाइटी लीडर मेरा जो बंद कॉल का समय में मेरा लड़का लोग को जो हमारा लड़का लोग को यहाँ में कोई किसी को इनोसेंट पीपल को अरेस्ट किया है, तब भी हम एज ए सोसाइटी लीडर अभी भी पीछे नहीं आता हूँ। अभी भी मेरा बिल अभी 60% बिल रिलीज हो गया, कल पूरा रिलीज हो जाएगा एडवोकेट थ्रू हम लीगल वे में करके। तो अभी हम पूछता है कि अब उसके देखिए इतना बच्चा लोग कोई लोग टाटा ये तार मोटर्स में काम करने वाला है, कोई लोग या क्रिश्चियन का हुआ में गोस्पिल सॉन्ग को रिलीज करने वाला है करने वाला था, इसको भी आप जेल में अभी तक तेजू जेल में रख दिया, और सेक्शन जो इसको इतना सेक्शन में डाला है, अब किस बेस में इतना सेक्शन को उन लोग किया है, ये एक मेरा सवाल था। ये देखिए हम गवर्नमेंट को भी हम बोलते हैं कि अब देखिए ये इनोसेंट बच्चा को ऐसा उतार होता कल को ये क्रिमिनल बनेगा तो कौन करेगा, आप लोग ही मजबूर कर दे रहा है। तो लेकर गया भी तो गया, यहाँ रख देना चाहिए, डिटेन करके अब इंक्वायरी करके इसको रिलीज कर देना चाहिए था, इतना सेक्शन में रखे इतना हरसमेंट क्यों दे रहा है, ये एक बहुत दुख का बात है। हम जो आज बोल दे रहा है हम आज बोल रहे हैं, अगर हम दूसरा पिकलर होता तो हम ये बोलना था कि नहीं वो मेरा एक्टिविस्ट नहीं था ये नहीं था, लेकिन हम एक समाज का लीडर है। एक दुख लगता है कि आज जो इतना इनोसेंट बच्चा लोग को उन लोग पूरा एक आदमी को 10-10 सेक्शन में डाल के उसको क्रिमिनल में बुक करके अरेस्ट में अभी तक तेजू जेल में रखा दिया, ये कौन सा ये है, आपको यह डिटेन हुआ और पुलिस डिपार्टमेंट को भी आपको पूछता है, आप एटलीस्ट डिटेन किया तो आप डीसी के पेल एज पर आन लो पोल के एक हिसाब से तो अब डीसी के पितर को प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको भी प्रोड्यूस नहीं किया, डीसी को बोलता है कि हमको बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं किया, पुलिस को बोलता है कि डीसी मालूम है, इस बीच में बेचारा हमारा बच्चा लोग इतना क्यों विक्टिमाइज हो रहा है, ये हम एक दुख का बात हम आज हम बोल रहे हैं। ये अगर आप लोग को क्लू मिला है तो सही, अगर आप लोग को क्रिमिनल जो एक्टिविस्ट पकड़ा है तो उसको कर जाए, और अभी भी हम बोलते हैं जो हमारा अन्याय में क्रिमिनल एक्टिविस्ट करने वाला को भी इसको क्रिमिनल एक्टिविट करने वाला उसको अभी अभी भी डिटेन करके रखे, अरेस्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और सेकेंडली इसको जो पैसा देकर इधर उधर यूज जो जो अभी जो उसको लेकर आने वाला को इसको कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारा अन्याय का तरफ से हम लोग क्लीन है, हम लोग ये कोई किसी को इन्वाइट नहीं किया है, और जितना भी 45 जो आदमी जो डिटेन हुआ है अभी तेजू जेल में मैक्सिमा पर रिलीज हो गया है, और फैमिली लोग आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोग का जितना है हम लोग मेरा लीगल एडवाइजर अभी पूरा अभी बेल में लगा हुआ है कल तक और निकल जाएगा पूरा निकल जाएगा, और ये कानून पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम ये अपील करते हैं कि एटलीस्ट इनोसेंट बच्चा को भी कुछ जान के आप बुक कर देना, कल को ये क्रिमिनल माइंडेड में जाएगा कौन रहेगा, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये है। उसका बाद अभी जो नाम जो अभी जो बोल रहा हम लोग अन्या ने जिस बंद कॉल डिक्लेयर करने का बाद अभी देखिए यहाँ में अभी इतना एक चल रहा कि मैंने दिक्कत सब चल रहे हैं, अभी सिविल सेक्रेटरीट को पब्लिक अलाउ नहीं कर रहा है, पूरा बंद करना है कर रहा है, तो हम तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम इसको ऑनरेबल CM को हम पूछता है जब आप OPC
वो पूरा बंद कर रहा है, तो सारा ऑफिस को बंद कीजिए ना, पूरा सिविल सेक्रेटरी की सबको आप क्यों बंद कर दे रहा है, ये गलत है। अभी देखो आदमी जो अपना काम में आता है, अभी वर्किंग सीजन आता है, किसी का पायल होता होगा, कुछ कुछ का होता होगा, आप लोग ने अभी ई पायल बना के किसी को भी अलाउ नहीं करता है, ऑफिस में भी घुसने नहीं देता है, ये क्या चल रहा है। ये सिविल सेक्रेटरी तो पब्लिक का ऑफिस है, हर कोई विजिट कर सकता है, इसको आप क्यों क्लोज कर रहे हैं? ये चीज जो हम इसलिए हम बोल रहे हैं ये गलत है ना, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। और ये और थर्ड पॉइंट जो ये है, हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने करप्शन चार्ज हम लोग एलिगेशन किया था कि आपका इतना इतना पाम है, ये पाम है बोल के वो किया था, हम लोग चार्जेस किया था। लेकिन उस दिन हम एक फ्रेश स्टेटमेंट में हम देखा, जीरो का जो स्टेटमेंट जो हमने देखा उसमें बोला है कि हाँ वो तो खुद एडमिट कर लिया है काम कर रहा है बोल के, उसको खुद दुनिया मालूम हो गया कि वो काम कर रहा है। उनका कहना तो ये है कि और उसका कौन सा कानून में जो गाइडलाइंस में जो लिखा है कि उसका फैमिली मेंबर और उसका लेफ्ट राइट आदमी इसको परिवार लोग अभी काम नहीं करना, कौन सा गाइडलाइन में लिखा है बोला है। तो इसी के लिए मैं अभी आपको हम उसका भी डॉक्यूमेंट हम अभी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्ट्री एंड बोथ यूनियन एंड स्टेट, उसमें ये गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा है कि यहाँ में कोई प्राइम मिनिस्टर का फैमिली काम गवर्नमेंट काम नहीं करना है, उसका बाद में ये स्टेट चीफ मिनिस्टर का पॉलिटिशियन मिनिस्टर एमएलए ऑफिसर काम नहीं करना है, ये गाइडलाइंस है, ये वाला गाइडलाइंस है। और ऑफिस ऑफ द पोर्पेट में भी उसका पूरा आईपीसी है, सेक्शन है। और कोई लोग हमने कोई कुछ को केस करके हम कोई किसी को हमने टेंडर में भी हम लोग केस करके हम लोग हराया, ऑफिसर का पाम को भी हम लोग ने ऑफिस ऑफ पोर्पेट को भी हम लोग ने हटाया गया है। ये है गाइडलाइंस। आप सोचिए देखिए, आपने बोला है कि काम नहीं कर रहा है, कौन सा कानून में लिखा है बोला। अभी ये देखिए ये वाला अभी हम उसको कॉपी पेस्ट करके सबको हम डालेंगे, अभी सबको हम अभी हम सबको हम बात देंगे, हम आप लोग भी लेके मीडिया वाला आप लोग भी लेके सबको आपका जो आप लोग का चैनल से बता दीजिए। ये वाला सेक्शन है, ये वाला इसमें है, आपका कानून में भी है, आपका सेक्शन में भी है, आईपीसी में भी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस में भी है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर उसका बाद चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एमएलए ऑफिसर काम नहीं कर सकता बोल के ये वाला गाइडलाइंस है। आपने बोला है कि नहीं है, कौन सा सेक्शन में आप लिखा, अब हम अभी निकल दिया ये सेक्शन को, आपका जो आपने जो मांगा हम लोग रेडी है, सब कुछ है यहाँ में। और आप हम तो सीधा सा हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा जितना हम जनता है कि मेरा लेफ्ट राइट लोग को भी पूरा खत्म किया बोल के हमको भी अच्छा से मालूम है, लेकिन हम जब तक प्रेसिडेंट जिंदा है तब तक मेरा तो होगा, तब तक हम मेरा कोई मेरा लेफ्ट राइट को खत्म करके तो फायदा तो है ही नहीं। हम जब मेरा स्टैंड पे हम समाज के सामने में हम पेश करते रहेगा, और मेरा जो टीम में जो गड़बड़ का कुछ कुछ गड़बड़ हुआ होने से भी इसे हम पब्लिक के डोमेन में हम लेकर आ देगा, बता देगा पब्लिक, जो अरेस्टमेंट देना पनिशमेंट देना वो हम लोग हम समाज का लेते समझ देगा हम लोग को। तो इसी के लिए हम जैसे आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग में हम या आप लोग को बुलाया था, हम जैसे इसको हम क्लियर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसका बाद अभी जो जितना भी जो अभी पेरेंट्स लोग दुख नहीं होना है, ये अन्य लोग काम नहीं कर रहे ये है, लेकिन हम लोग ये हम नहीं बोलता है कि उसको हम लोग अन्य इम्बैट नहीं किया है, लेकिन एज अन्य बंद कॉल का समय में ड्यूरिंग बंद कॉल समय उनको डिटेन किया है, घर से उठा के लेकर आ गया है, वो सबको अन्य हम लोग अभी लीगल वे में हम लोग फायर करके 60% हम लोग बेल रिलीज कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत दुख का बात है, अनकंडीशनल उन लोगों को छोड़ देगा बोल के हमारा होम मिनिस्टर भी बोला था, एग्जामिन करके भी छोड़ देगा बोल के, नहीं छोड़ा है, उल्टा उनको एक आदमी को 10-10 सेक्शन लगा के सेक्शन नंबर आपको हम बाद में व्हाट्सअप कर देंगे। इतना ये कौन सा कानून में लिखा है कि इतना क्रिमिनल नहीं है, जो क्रिमिनल होने वाला तक भी इतना नहीं वो नहीं करता है, इतना तक वो इनोसेंट बच्चा है, कोई लोग तो कभी जेल नहीं जाना क्या है, उन लोग कोई लोग क्रिश्चियन के लिए गाना गा के गाना गाने के लिए अपना कैसेट को क्रिश्चियन के लिए गॉस्पेल सॉन्ग रिलीज करने के लिए यहाँ आने वाला, इसी को भी एक डिटेन कर दिए, ये कहा ये ऐसा कैसा वो चलेगा। और उसका बीच ड्यूरिंग जो हमारा 36 आवर्स बंद कर हम एयर सोरेन निकलते समय में हर एक ऑफिसर के साथ में एक एक मुंपा अरविंद मुंपा पुलिस था, ताकि उसको हम यहाँ का तो पुलिस लोग हम लोग को नॉर्मलाइज कर देगा होगा बोल के, जब उनका सामने वो नहीं करेगा बोल के, इतना स्ट्रोंग से उन लोग किया है। अभी आप देखो
टपक लिंडो का जो स्टेटमेंट को जो हमने देखा है, उसमें डीसी ऑफिस में भी हमारा सेंट्रल जेल में मेरा तीन लड़का लोग का साथ में उनका भी फाइल प्रोसेस हुआ था। और हमारा डीसी वो साहब बोला है कि चलो हम उसका भी हम जीरो जा रहा है, टपक लिंडो को हम जीरो होने से हम साइन करके आके कुछ रिलीज हो जाएगा, उसको हम उसको साइन करने करके गए, उसको भी आप देखो रिलीज कर, वही एक इनोसेंट आदमी को हम लोग ने जैसे फाइल एक साथ प्रोसेस करने के बाद इसको फिर एक्स्ट्रा वहाँ रख दिया है, उसका घर में भी तोड़फोड़ कर दिया है, ये चीज़ तो गलत है। और मेरा यहाँ में अभी जो 45 जो स्टूडेंट है वहाँ में बहुत प्रकार का जो बहुत सा कम्युनिटी का है, आप लोग दुख नहीं होना है इसको, क्योंकि हम सब में हम लोग काम कर रहा है और हमारा जो है इशू जो है अब पब्लिक ऑलरेडी हम डिपार करके रखा है, 48 आवर्स हम लोग ने बंद कॉल को हम लोग ने डिक्लेयर करके रखा है, लेकिन डेथ को डिपार करेगा और किया है और पब्लिक लोग अब अवेयर में रहे और ऐसा दादागिरी हम लोग नहीं चलेगा। हम लोग कौन सा माने आज तक ये अनलॉफुल एक्ट में जितना यहाँ में आप देखो आप सब लोग चकमा इशूज का लेकर कुछ कुछ इशू इतना यहाँ में गाड़ी जलाया, बस जलाया, ऑफिस प्रॉपर्टी को डैमेज किया, आज तक उसको अनलॉफुल में एक्ट नहीं किया है, बुक नहीं किया है, तो इतना तक तो अब लड़का लोग को अरेस्ट 45 डेज 50 डेज इतना सेक्शन में अभी तक नहीं डाला है। वेरस रिसेंटली अंशु बन को हम उसको कोई खराब नहीं बोल रहा है, इसको भी अंशु वाला अफसु वाला हमको खराब नहीं पाना चाहिए। रिसेंटली बन कॉल में भी अब देखे इतना गाड़ी जलाया है, इतना स्कॉर्पियो जलाया है, इतना हंगामा किया, इतना उनको देते उसको भी अनलॉफुल एक्ट में नहीं डाला है। और हमने जब आजा लास्ट टाइम आजा बन कॉल में भी हम लोग ने इतना आशा से हम लोग जब जब आजा हम लोग बन कॉल हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बन कॉल करने हालांकि हम लोग बहुत पीस होता है आजा हम लोग टू टाइम हम लोग बन कॉल डिक्लेयर किया, आज तक किसी प्रॉपर्टी को भी डैमेज नहीं किया, किसी गाड़ी को भी हम लोग पत्थर नहीं मारा है, कुछ नहीं किया पीसफुली वाला को। और अभी जस्ट हम डीसी कैपिटल को हम जस्ट लास्ट एक सवाल पूछेगा, उस दिन बीजेपी का वह युवा नेता वहां में उन लोग जब घूम रहा था उनको अरेस्ट नहीं किया है, आपका सामने वो वीडियो बना के घुमा, तो हमारा लड़का लोग तो इवन घर में बैठने वाला को उसको डिटेन करके रखा, उनको उन लोगों को क्यों डिटेन नहीं किया? हम ना ही ये बीजेपी पार्टी को हम अगेंस्ट है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगेंस्ट है। हमने बोला है कि ऐसे पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर का हिसाब कैपेसिटी का हिसाब से उसको हम बोला कि आपका इतना इतना चार्जेस है, और सच में आपने भी कुछ एडमिट किया है कि हाँ काम कर रहा है ये कर रहा है, तो उसका भी गाइडलाइन आप कौन सा कानून में इतना इसका भी हम गाइडलाइंस को भी हम निकाल दिया है। और लास्टली हम ये बोलेगा आप कुछ चीफ मिनिस्टर है आपका इतना पाम आपका पाम में सिर्फ काम करता आप काम करेगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा कॉन्ट्रेक्टर और ये बिजनेसमैन लोग कहाँ जाएगा? आप सोच के देखिए, हम जैसे ये अपील है हम पब्लिक का, वो बाकी जो काम किया वाला बचा बचा काम किया वाला को अपना एमएलए अपना वर्कर्स को किसी का अपना उसका पाम उनका किन काम करता है और बाकी अनएम्प्लॉय लोग कहाँ जाता है कहाँ जाएगा? इसलिए एक दिन अरुणाचल में हम सीधा सा बोल रहे हैं इसी तरह से अगर चलते रहेगा एक दिन अरुणाचल एक नागालैंड जैसे भी हो जाएगा। और ये पेमा खांडू सर गवर्नमेंट आपका प्लीज आपका जितना आपका कैबिनेट है आप लोग उसको डिस्कस कीजिए, ऐसा नहीं होना है बाकी अनएम्प्लॉय लोग कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोग इसी के लिए हम यहाँ में कोई कम्युनल में लेना नहीं है, कोई कुछ को मैंने कुछ दूसरा वे में लेना नहीं है, ये जो है काम जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। अभी अब देखो मार्च आ रहा है, कोरोना अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, यहाँ अभी एसओपी मेंटेन कर रहा है, यहाँ अभी सिविल सेक्रेटरीट को बंद कर रहा है और कुछ देर का बाद ऑफिस को बंद करेगा, ये कैसे चलते रहेगा? और जब जब मार्च एंडिंग जब आ रहा होने से आपका जो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है ये हो जाता है, जैसे उस दिन हम हमारा जो डीसीएम का साहब वो उन लोग बोला है कि हमको कोरोना पॉजिटिव हुआ बोला, अच्छा तो कोरोना पॉजिटिव होने के इस पर गाइडलाइंस आप 14 डेज बैठना चाहिए इसमें, आपने फिर जीरो में फिर जाके फिर पूरा कोरोना फैला दिया, ये क्या मजाक चल रहा है? आप तो इस पर गाइडलाइन आप तो आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आप बैठना चाहिए, आपका गवर्नमेंट फिर आपका जीरो में इतना वहां में ग्रुप में उल्टा कोरोना को आप लोग फैला दिया, खुद पॉजिटिव होकर मीडिया में पोस्ट करते हैं फिर वहां में जीरो में कोरोना फैला दिया इतना हुआ ग्रुप, आप तो ये तो गलत काम कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव कोरोना जो सिर्फ क्या छोटा आदमी लोग के लिए क्या बड़ा आदमी के लिए नहीं है क्या? जैसे आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस दिन आप दिल्ली जाके आया तो अभी तो हिसाब से 14 डेज में क्वारंटाइन बैठना चाहिए ना, है कि नहीं है? तो यह अब हम लोग को यहाँ में एसओपी लोग को मेंटेन करने देता है, हम लोग को कर्फ्यू लगा के रख देता है, आप लोग के लिए नो कर्फ्यू,
आप लोग ले लो कोरोना, ये कैसा होगा? लास्ट टाइम भी कोरोना का नाम से इतना आप देखो, या टाटा कंपनी इतना दिया है, नेपो कंपनी लोग इतना रुपया दिया है उसका नाम से, फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाया है फाइनेंस के, लेकिन उसको इस तरह प्लान से भी ये आया। ये चीज ऐसा चलनी चलेगा। मुझे सब आज हम बहुत लाइटली, हम ब्रेथली बहुत अच्छा से बात किया है, तो हम जस्ट बता रहा हूँ। और ये प्लीज ऐसा नहीं होना है, अब कोरोना है तो सबके लिए कोरोना होना है। और ये सिविल सेक्रेटरियट को, सिविल सेक्रेटर को कॉल दीजिए, पब्लिक को हरासमेंट मत कीजिए, क्योंकि किसी किसी का अपना प्राइवेट काम बहुत होता है। ये एक गलत है, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, हम लोगों के गवर्नमेंट है। ये ऑफिस ऑफिस भी बंद कॉल ये सब कल्चर कोरोना का नाम से मत कीजिए। कोरोना होना है, कोरोना का बीमार होना है तो सब लोग लगेगा, तो सब लोग मेंटेन करेगा। आप लोग के लिए कोरोना, और आप लोग के लिए कोरोना नहीं है, और हम लोग आम आदमी के लिए कोरोना ये नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। टॉर्चर किया है या फिर बराबर सेक्शन में डाला है, और आपका बच्ची ने भी कहा है कि आपने पहले कहा कि आपका बच्ची का गाड़ी को भी तोड़ दें, तो ये किस लिए हो रहा है? या फिर आप ये बोलना चाहते हैं कि जो आप लोग सीएम का एड्रेस आवाज़ होता है इसलिए किया गया है, या फिर कोई दूसरा रीजन भी है कि आप लोगों को इतना टॉर्चर किया या फिर सेक्शन में डाला गया होता है? देखिए रिगार्डिंग ये बात को लेकर हम तो अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। बन कॉल डिक्लेयर तो हम लोग ने किया है ना, बन कॉल डिक्लेयर हम लोग ने किया है, ड्यूटी तो पुलिस और मजिस्ट्रेट ने किया है ना। उसका बाद गाड़ी को तोड़ने, आम लोग एक करने वाला, मेरा वाइस प्रेसिडेंट का गाड़ी को तोड़ने वाला तो पुलिस है। और जो जितना अनलोपुल करने वाला तो पुलिस लोग है, गाड़ी तोड़ के इधर फोर्सफुली करने वाला। हम तो ये अभी उनको अनुपुर में बुक होना चाहिए था, लेकिन हमारा लड़का लोग को बुक किया, अभी तक मेरा लड़का लोग को जेल में है। लेकिन हम अभी ये सवाल पूछता है कि इतना लोग यहाँ में बंद कॉल हुआ है, कुछ कर रहा है, उनको सेक्शन नहीं डाल के अभी हमारा लड़का, हमारा अन्य टीम को, वेरिस और इनोसेंट बच्चा लोग को क्यों इतना सेक्शन में डाला है? वेरिस हमारा एक्टिव, कोई लोग तो एक्टिव से नहीं था, कोई लोग पूछो क्या बोलता है आपका तार मोटर्स में काम करने वाला, कोई लोग सिंगर लोग, उनको भी अब डिटेक्ट करके रखा है। ये तो गलत बात है ना। अब आनोपुर ये देखे सीएम का आवाज रिजिग्नेशन, हम एक आवाज है, हम लोग आवाज उठाता है ताकि सीएम भी जानो लोग क्या प्रेस्टेशन में है, उस हिसाब से आप भी काम अच्छा कर सको, हम इसलिए हम आवाज उठाता है। ये बात नहीं है कि कोई तो एटलीस्ट आवाज उठाने उसको तो एटलीस्ट रिमाइंड आना करे, हाँ मेरा पीछे में पब्लिक है, मेरा पीछे में ऑफिसर लोग, मेरा पीछे में सारा जनता है, उन सब का हम गॉड फादर है, ऐसा समझ के काम करने का हम लोग आवाज उठाता है, ताकि उस हम जैसे करता है हम लोग आवाज उठाता है उल्टा ऑफिस को बंद कर देता है। अभी अभी हम अभी मीडिया में बात किया, अभी कल क्या होगा, कल से लॉकडाउन भी चालू हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। आपका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा? अब देखिए हम आपको पहले ही बोला है, हमारा जो मूवमेंट है हम लोग कंटिन्यू रहेगा। और सीएम साहब आपने जीरो में भी आप बोला है कि हम काम को खुद एडमिट किया, और कौन सा कानून में लिखा है वो भी हम लोग निकाल दिया है। और सकने साहब वॉलेंटरी रिजिग्नेशन देने से अच्छा है, या हमें इस पर गाइडलाइंस हम लोग निकाल दिया है, अब कौन सा कानून में लिखा है बोला, हम तो ये कानून तक भी हम लोग निकाल दिया है। जैसे कि जीरो में जब हमने सीएम का इंटरव्यू लिया था तो उसमें सीएम ने कहा है कि लाइक जो भी करप्शन चार्जेस होता है उसको कोर्ट में फाइल करना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे बंद कॉल करना चाहिए, और उनका एक मोटो है कि बंद कॉल को पूरा बंद करना है। फिर उसके बाद में दूसरा ये भी बोला है कि आपकी ये एजेंडा जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। फिर दोबारा उन्होंने बोला कि कुछ समय के बाद में वो जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड से आप लोग कर रहे हो उनको पूरा मतलब क्या होता है पास करेंगे, तो इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए ये तो गवर्नमेंट का मिशनरी हाथ इतना लंबा है, वो तो गवर्नमेंट चाहने से तो क्या है, वो तो एक दिन में तो इन्वेस्टिगेशन करके आपको पकड़ सकता है, तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? जैसे अभी हमको अंडरग्राउंड से ये जो हमको आदमी लेकर आया बोला है को हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर हम लोग मीटिंग वो बोला है कि 13 का शाम को विद्रो हुआ है उन लोग नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट जानेगा ना, उसको तो इतनी पेस करना है ना, उसको कौन लेकर आया है, क्यों अन्या ने लेकर आया ना, कौन लेकर आया, उसको पेस करना है ना, अब बताएगा ना वो तो। ये तो गवर्नमेंट अगर अब जीरो में भी स्टेटमेंट को हमने सुना,
वो बोला कि बहुत ही जल्दी पेश कर, अब करने से भी अच्छा है, अब की देर किस, वो तो सारा मशीनरी तो अब तो है, अब ये तो नहीं होता हमारा इनोसेंट बच्चा लोग को भगा भगा के और हम लोग को भगा भगा अरेस्ट करने के लिए, वो सबको एक दिन में तो कर सकता है, उसमें कौन सा ये वो है, सारा मशीनरी तो आपका हाथ में है। अब देखिए रहा कोर्ट का बात, कोर्ट में कितना कोर्ट पड़ा हुआ है, हम लोग कोर्ट डालता है ये करप्शन चार्जेस ये, कोर्ट में तो आप उसके देखो एक हियरिंग भी, हियरिंग को भी बंद कर देता है सब कुछ। महात्मा गांधी को हम लोग बहुत अच्छा सोचा था, मैंने आज महात्मा गांधी का नाम से सबको कंट्रोल करके बैठता है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको। इसी के लिए हम लोग ने एज ए प्रेशर ग्रुप हम लोग ने आवाज़ उठा ताकि आप जागो, आपका पीछे में बहुत आदमी है, आपका पीछे में बहुत सा कंट्रेक्टर है, आपका पीछे में स्टेट को कैसा डेवलपमेंट करना है, कोई तो आवाज़ उठा, इसीलिए हम लोग टीम अजाने आप हम उतारे। अभी भी आप अच्छा काम आप करना है, ये बात नहीं है कि हम जितना आवाज उठाएगा ऑफिस बंद करते रहेगा, कल अभी हम बन गए कल आपका लॉकडाउन चालू होगा, ये चीज तो सिस्टम नहीं होगा ना। यूपी में इतना इलेक्शन चल रहा है उसका कोई नहीं, हम अभी भी बोलते हैं, हम डीसी साहब को भी अभी भी अपील, हम अभी बहुत कंफ्यूज में है, जब वहां में बीजेपी लड़का वहां निकल के वीडियो बना के आया इलीगल बोलता है इसको पूरा उनको अरेस्ट नहीं करके घर बीतने वाला को अरेस्ट करके आम लोग एक डाला भी, ये कंफ्यूज हम सर डीसी साहब को भी, हम ये किस हिसाब से हम क्या, हम कानून सिर्फ क्या बीजेपी पार्टी के लिए है क्या, बाकी के लिए नहीं है क्या, लेकिन तब भी हम बीजेपी पार्टी को अरेस्ट नहीं कर रहे, वो लड़का लोग को आप क्यों अरेस्ट नहीं किया, वो अभी जो इनोसेंट बच्चा को क्यों अरेस्ट किया, वो एक दुख है। इसके बाद में आप फिर बोले हैं कि ब्रीफिंग में आप सीएम होम मिनिस्टर से मिले, डीसी से मिले, आप जब मुलाकात के बात किए तो इसका जो डिटेन स्टूडेंट्स है इसके बारे में आपने क्या बात किया, डिटेल्स में जानना चाहेंगे। ये हम लोग ने हम पूरा एंटायर टीम ऑनरेबल होम मिनिस्टर को वहाँ हम लोग गया था, जाके वहाँ में सब हम लोग ने मीटिंग किया, हम लोग ने बोला है कि आप सर लड़का लोग को छोड़ दीजिए, लड़का लोग को छोड़ दीजिए, और आपका जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आप जिससे पैसा रिकवर हुआ है जो लोग किए हुआ आप इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन वहाँ में बहुत सा इनोसेंट लड़का लोग है कि कोई लोग का एग्जाम 22 को देना तो उसका भी बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, कोई लोग का कॉलेज उस समय में हम लोग 17 को हम लोग मीटिंग किया था, उसमें भी हम लोग ने क्लियर कर दिया 22 को एग्जाम है, कोई लोग का 21 का लास्ट 20 को लास्ट एग्जाम, इसको रिलीज कर दो। तो उनका ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साहब का कहना ये था कि हम लोग एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है बोला है। तो करने का उसका बच्चा चोर देगा बोला है। तो लास्ट में देखा है तो इतना लड़का लोग को सेक्शन सेक्शन में डाल के पूरा क्रिमिनल सेक्शन में बुक कर दिया, एक एक लड़का को 10-10 ये उसमें सेक्शन में बुक किया, उसके जितना रिलीज तो किया नहीं है, अभी उनको कोई लोग एग्जाम देने नहीं मिला है, कोई लोग एडमिशन छूट गया, आप तो अनकंडीशनली चोर देगा बोला था, क्यों नहीं चोर है आपको, हम लोग रिक्वेस्ट किया बोला उन लोगों को पूरा एग्जामिन करके चोर देगा, अब तो चोरा नहीं है, और अभी कोई लोग का एग्जाम छूट गया, कोई लोग का एडमिशन कॉलेज 20 तारीख को लास्ट डेट वो खत्म हो गया, अभी इसको रिस्क लेना पड़ेगा गवर्नमेंट, अभी रिस्क लेना पड़ेगा और बच्चा लोग का लाइफ को रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हम लोग सच में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हम लोग नहीं बोलेगा, इफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसका लाइफ को आप रिस्क लेना ही पड़ेगा, ये उसको हम लोग एक्स्ट्रा अभी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम ये सारा पब्लिक भी इसको दिखे बाद में, और कुछ कुछ का साथ में मीडिया पब्लिक का साथ में हम प्लेस करेंगे। ये आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि बार बार आपने खुद ही दुख जताया है कि इनोसेंट लोगों को और कोई बच्चों यूथ लोगों को ऐसे मतलब बेकार में डिटेन करके अभी तक ऐसे मतलब कई से बहुत सारे मतलब एक्ट में रखा गया है, तो कहीं आपको क्या नहीं लगता कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का कारण जो है बनकोल ही है, जो लोग अभी कई बार हमें पूछा गया है तो क्यों बनकोल ही क्यों, जिससे लाइक अभी इनोसेंट लोग इतना हैरस होते हैं, प्लस पब्लिक को भी मतलब खुद आप लोगों को भी होता है, तो क्या लगता है मतलब ये बनकोल का आपको सोल्यूशंस निकाल पाएगा इन फ्यूचर में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग ने यहाँ में कोई किसी को हम लोग ने इंड्रोस नहीं किया, पहला बात इंड्रोस नहीं किया है कि हम लोग का टीम ईटानगर में था, लेकिन जो वॉलेंट्रीली जैसे अभी बॉर्डर स्टूडेंट्स यूनियन लोग हमको सपोर्ट, हम लोग का टीम अंजा को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आया था, उस विषय में जो केस डिटेन हुआ है इवन
प्रेसिडेंट को जब अरेस्ट कर लेता है तो बाकी को तो छोड़ देना चाहिए। अपने आप लोग ने प्रेसिडेंट को तो अरेस्ट किया है, वो आपका कस्टडी में है, बाकी इनोसेंट को आप छोड़ देना चाहिए था। और इस बंद कॉल का द्वारा हम लोग, चलो हमने इन्वाइट नहीं किया है, जब ड्यूरिंग मेरा बंद कॉल में हमारा लड़का लोग को इनोसेंट बच्चा लोग को लोग घर से उठा के लेके वो सब अन्याय का नाम से बदनाम कर रहा है, लेकिन हाँ इस हिसाब से इसी के लिए एज ए सोसाइटी लीडर हम उसको पूरी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अभी भी हम कोर्ट में हम कर रहा है, उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे। बेल तक अभी पहले 60% तक बेल निकल गया, 27 कल को आई थिंक पूरा हो जाना चाहिए, बेल कल पूरा तक हो जाना चाहिए। ये एक मेरा जो है, लेकिन मेरा एक सवाल अभी बोला आप इससे पहले बोला है, हम लोग जो बंद कॉल जो है इसलिए करता है कि हमारा आवाज़ को धरना करने से भी नहीं सुनता है, उसका हंगर स्ट्राइक बैठने से भी नहीं सुनता है, फिर बंद कॉल करता है। हम लोग इसी के लिए हम लोग बंद कॉल करता है। अगर आपने जिसे अभी बोला है बंद कॉल कर्सल को आप खत्म करना ही था तो पहले आप क्यों नहीं किया, उन्नू का उन्नू को क्यों बंद कॉल कल्चर का खत्म नहीं, जब सीएम का अगेंस्ट जब हम आवाज उठाते हैं तो अब बंद कॉल कल्चर का करना क्यों शुरू हो रही है, ये चीज है। ताकि क्या हम लोगों को आवाज उठाने के लिए हम लोग को अधिकार नहीं है क्या? जैसे अभी अभी बहुत सरप्राइज हो गया, हम लोग अभी बहुत सरप्राइजिंग में है। जैसे अभी मोनपा स्टूडेंट यूनियन ने बोला है कि और तवांग से बैठ के फ्रेश कैंपस करता है कि हम लोग को बंद कॉल कल्चर को खत्म करना है बोला। अभी डीसी को पूछता है, एसपी को हम पूछता है, गवर्नमेंट को पूछता है, आप खत्म करना है बोल रहे। मुंपा जिस दिन मुंपा स्टूडेंट यूनियन प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना शुरू हो गया, पूरा मेरा मैजिस्ट्रेट लुक स्ट्रांग होने लग गया, ये होने लग गया, ये कैसा होगा, उसका रोल से कैसा चलेगा? अभी हम लोग कंफ्यूज है। कल तक हमको डॉक्यूमेंट सप्लाई करने को सीएम का अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट हम लोग को सप्लाई करने तक हम लोग को डॉक्यूमेंट देने के लिए दिया, आज वो पोजीशन मिल गया, आज हमको उल्टा हम लोग उल्टा कटने के लिए फिर दौड़ रहा है। ऐसा कोई होता है? दुनिया है क्या है हमको अभी मालूम नहीं हो रहा है हमको ना। आज अन्याय का वजह से कौन रातों रात में धनी नहीं बना है? अभी जितना आवाज उठाएगा इतना उन लोग अन्याय का नाम से आप कितना लोग अभी लाइफ बना होगा आप सोचके देखो। अंदर में कुछ और देखो, हाथी का दो दांत होता है, एक चबाने का होता है एक दिखाने का होता है, इसलिए हम बोलेगा भी नहीं। अभी हम और अभी हम जा अब मैं आप लोग भी है, हम जितना है हम मीडिया जो अभी जो बोला उसी में हम आपको बोल रहा, बाकी बात सब आपको हम विद इन द शॉर्ट पीरियड विद इन द वीक अंतर में आपको हम फ्रेश कॉन्फ्रेंस करके आपको विद द डॉक्यूमेंट का सामने प्रोड्यूस करके हम बात करेंगे। और रिगार्डिंग अब लास्टली हम ये बोलेगा अपने जीरो में आप बोला कि जो उंगली उतारने वाला मतलब सीएम सर अभी भी आपको हम लोग उंगली नहीं होता है, हम लोग जिस आवाज़ हम लोगों को जो था अपना जो सही लगा जो हम लोग ने होता, हम लोग किसी इंडिविजुअल आपको हम लोग पर्टिकुलरली हम उंगली नहीं उठाया है। अब ये बोला कि उंगली हम जिसे अभी आप बुलाए कि लास्टली हम लास्ट तक ये हम बोलेगा आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हम लोग कर दिया है आपको, इस आईपीसी में भी है, ऑफिस ऑफ पर्पज में भी है, और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भी वहाँ से गाइडलाइन है, सीएम का मिनिस्टर और पीएम का मिनिस्टर, सीएम का मिनिस्टर उसका ऑफिसर उसका बीवी बच्चा का नाम किन किन से कोई काम नहीं कर सकता, ये गाइडलाइंस है। तो आपने एडमिट कर दिया, ये क्यों चल रहा है ऐसा? आपको गाइडलाइन जानते हुए भी आपने उस दिन सबका संग पूछा है कि आप है, दैट मीन्स आपने खुद एक एडमिट कर लिया है, वो तो सीधा सा बात है एडमिट कर लिया। अभी आप जैसे हम लोग का डिमांड जो सही था हम लोग का था, तो इसलिए आप मॉरल गर्ल में अच्छा से देने से रिजर्वेशन देने से ठीक है वही।